नमस्कार। आज हम देखेंगे तीन बहुत ही सुंदर योगों को। पहला है श्रीकंठ योग, दूसरा श्रीनाथ योग, तीसरा विरंच योग। श्रीकंठ भगवान शिव को बोलते हैं, श्रीनाथ भगवान नारायण भगवान विष्णु को बोलते हैं, और विरंच भगवान ब्रह्मा जी को बोलते हैं। तो इनके नामों पर ये तीन योग हैं। आज हम यही देखेंगे कि ये कैसे बनते हैं और इनके फल क्या होंगे, इसको हम उदाहरण के माध्यम से भी समझने का प्रयत्न करेंगे। तो आइए आगे चलते हैं। तो आइए देखते हैं कि श्रीकंठ, श्रीनाथ और विरंच योग कैसे बनते हैं और इनके क्या परिणाम होंगे, क्या फल होंगे। सबसे पहले बात करते हैं हम श्री कंठ योग की, जो कि भगवान शिव के नाम पर है। तो श्री कंठ योग किसी भी जन्म पत्रिका में अर्थात लग्न कुंडली में लग्नेश, सूर्य और चंद्रमा, ये तीनों अपनी राशि में हों, अपने मित्र की राशि में हों या अपनी उच्च राशि में हों और केंद्र या त्रिकोण में हों। पुनः कहना चाहूंगा, किसी भी लग्न कुंडली में लग्नेश, सूर्य और चंद्र, ये तीनों स्वराशि में हो, अपनी मित्र राशि में हो या अपनी उच्च राशि में, केंद्र या त्रिकोण में हो, तब श्रीकंठ योग का निर्माण होता है। आपको याद दिलाना चाहूंगा कि किसी भी जन्म कुंडली में पहला, चौथा, सातवां और दसवां ये केंद्र होता है, ये भाव केंद्र के भाव होते हैं, और पहला, पांचवा और नवा ये धर्म त्रिकोण होता है, या सामान्य भाषा में हम इसको त्रिकोण कहते हैं। तो आइए इसको उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। यह एक जन्म कुंडली है जिसमें हम श्रीकंठ योग को समझने का प्रयत्न करेंगे। तो यह एक नंबर राशि लग्न में है अर्थात मेष लग्न की पत्रिका हुई, और अभी हमने क्या देखा कि लग्नेश, सूर्य और चंद्रमा ये स्वराशि के हों, मित्र राशि के हों या उच्च के राशि के हों और केंद्रीय त्रिकोण में हों। तो पहला, चौथा, सातवां और दसवां ये जो भाव हैं ये केंद्र हैं, पहला, पांचवा और नवा ये त्रिकोण हैं। अब इस जन्म पत्रिका में हमें देखना है श्रीकंठ योग का उदाहरण। तो यहां पर लग्नेश कौन है, लग्न में एक नंबर राशि है अर्थात मेष राशि है जिसके स्वामी हुए मंगल, अर्थात लग्नेश मंगल है। मंगल हमने मान लिया कि वो यहां पर दसम भाव में, जो कि केंद्र का भाव है, दस नंबर राशि में बैठे हुए हैं। दस नंबर राशि में मंगल उच्च के होते हैं, मकर राशि में मंगल उच्च के होते हैं। अब बात करते हैं सूर्य और चंद्रमा की। सूर्य और चंद्रमा, चंद्रमा की बात करते हैं, चंद्रमा अपनी ही राशि में केंद्र में चतुर्थ भाव में बैठे हैं। बात करते हैं सूर्य की, सूर्य प्रथम भाव में अर्थात लग्न में, जो कि केंद्र भाव है, वहां पर बैठे हैं। तो हम देख रहे हैं कि लग्नेश मंगल उच्च के हैं, केंद्र में हैं, सूर्य वे भी उच्च के हैं और लग्न में है जो कि केंद्र है, चंद्रमा अपनी राशि के होकर चतुर्थ भाव में है जो कि केंद्र है। तो तीनों ग्रह केंद्र के हो गए, दो ग्रह अपनी उच्च राशि में है सूर्य और मंगल, और चंद्रमा अपनी ही राशि का हो गया। तो यहां पर श्रीकंठ योग का निर्माण हो गया। ये स्थितियां कुछ इस प्रकार से भी हो सकती हैं, जैसे कि सूर्य यहां पर अपनी उच्च राशि में ना होके सूर्य यहां पर स्वराशि का भी हो सकता है त्रिकोण में, क्योंकि तो पांच नंबर राशि सिंह राशि है वह सूर्य के होती है। तो कैसी भी स्थितियां इस प्रकार से बन सकती हैं। तो यहां पर हमने देखा कि जो लग्नेश हैं वे मंगल उच्च के हैं, सूर्य उच्च के हैं या फिर सूर्य अपनी राशि में है और चंद्रमा भी अपनी राशि में है, केंद्र और त्रिकोण में ही ये सारे संबंध बन रहे हैं। तो यहां पर श्रीकंठ नामक योग का निर्माण हुआ। अब हम अगले योग पर जाए, इससे पहले श्रीकंठ योग के फल को जानते हैं कि इसके क्या परिणाम होंगे। जिस भी व्यक्ति की जन्मपत्रिका में श्रीकंठ योग होता है वह विभूति को धारण करने वाला होता है, वह रुद्राक्ष पहनना
पसंद करता है, रुद्राक्ष के प्रति उसका प्रेम होता है, वह परम शिव भक्त होता है, शिव जी की आराधना में लीन रहने वाला होता है, शिव जी की पूजा पाठ करने वाले जो भी लोग हैं उनका ये बहुत सम्मान करते हैं, इनको अपने जीवन में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं होती है, ये अपने आचरण को सदैव अच्छा रखते हैं। तो इस प्रकार से श्री कंठ योग कैसे बनता है और उसके क्या फल हैं ये हमने जाना। अब हम बात करते हैं अगले योग की, जो है श्रीनाथ योग। श्रीनाथ योग जो कि भगवान नारायण के नाम पर है, श्रीनाथ योग वह कैसे बनता है, तो एक जनपत्रिका ले लेते हैं। यह 6 नंबर राशि लग्न में अर्थात कन्या लग्न की जनपत्रिका है। श्रीनाथ योग क्या होता है, किसी भी लग्न कुंडली में 3 ग्रह कौन कौन से, नवमेश अर्थात नवम भाव के स्वामी, बुध ग्रह और शुक्र ग्रह, ये 3 ग्रह नवमेश बुध और शुक्र, ये तीनों अपनी ही राशि में अपने मित्र की राशि में या फिर अपनी ही राशि में अपने मित्र की राशि में या फिर अपनी उच्च राशि में केंद्र या त्रिकोण में विराजमान हो तब श्रीनाथ योग का निर्माण होता है। तो इस जनपत्रिका में बुध लग्न में ही 6 नंबर राशि में है, लग्न केंद्र है। अभी कुछ देर पहले हमने बात की थी कि पहला चौथा सातवां दसवां केंद्र है, पहला पांचवां नवां त्रिकोण है, प्रथम भाव लग्न और त्रिकोण दोनों में गिना जाता है। तो बुध 6 नंबर की राशि में लग्न में जो कि केंद्र में है वहां पर विराजमान है। 6 नंबर राशि में बुध अर्थात कन्या राशि में बुध उच्च के होते हैं। अब बात करते हैं शुक्र की। शुक्र 12 नंबर की राशि में केंद्र में जो कि सप्तम भाव है वहां पर विराजमान है। शुक्र 12 नंबर राशि अर्थात मीन राशि में उच्च के होते हैं। अब बात करते हैं नवमेश की। नवम भाव ये है, यहां पर 2 नंबर राशि है, वृषभ राशि है, जिसके स्वामी होते हैं शुक्र, और शुक्र अभी हमने देखा कि उच्च राशिस्थ है। तो इस प्रकार से बुध शुक्र दोनों उच्च राशि में है, केंद्र में है, और नवमेश भी शुक्र है जो कि केंद्र में है। तो यहां पर श्रीनाथ योग का निर्माण होता है। स्थितियां कुछ इस प्रकार से भी हो सकती हैं कि हो सकता है शुक्र उच्च के ना हो लेकिन शुक्र यहां पर त्रिकोण में अपनी ही राशि में हो, वृषभ राशि नहीं की है, तब भी यह योग बन जाता है। बुध हो सकता है उच्च के ना हो, बुध हो सकता है यहां पर विराजमान हो जाए जो कि केंद्र में है और 3 नंबर राशि में है, 3 नंबर राशि होती है बुध की, मिथुन राशि है, तब भी श्रीनाथ योग का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से स्थितियां बदल सकती हैं, लेकिन इसी प्रकार से आपको देखना है कि किसी भी लग्न कुंडली में जो नवमेश है अर्थात नवम भाव के स्वामी और बुध और शुक्र, ये तीनों ग्रह अपनी राशि में हो, अपने मित्र की राशि में हो या फिर अपनी उच्च राशि में हो, केंद्र या त्रिकोण में, तब श्रीनाथ योग का निर्माण होता है। श्रीनाथ योग के लाभ क्या है, या हम कह सकते हैं श्रीनाथ योग के परिणाम क्या है, श्रीनाथ योग के फल क्या है। जिस भी व्यक्ति की जन्मपत्रिका में श्रीनाथ योग बनता है वह अत्यंत सुंदर होता है, उसको देखकर दूसरे लोग भी आनंदित होते हैं। इनके शरीर पर नारायण के कोई भी चिन्ह हो सकते हैं, जैसे कि चक्र इनके शरीर पर या शंख इन व्यक्तियों के शरीर पर कहीं बना हो सकता है, जिन भी व्यक्तियों की जन्म कुंडली में श्रीनाथ योग होता है। ये काफी धनी होते हैं, वाणी बहुत सरस होती है, वाणी में सरलता होती है, इनको भी स्त्री और पुत्र का सुख अच्छी प्रकार से मिलता है, समाज में इनका मान सम्मान होता है, किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होती है। तो श्रीनाथ योग भी बहुत ही शुभ और अच्छा योग है। अब हम बात करते हैं अगले योग की, जो है विरंच योग। विरंच भगवान ब्रह्मा जी को कहते हैं, तो विरंच योग भगवान ब्रह्मा जी के नाम पर रखा गया है। विरंच योग कैसे बनता है, किसी भी जन्म कुंडली में अर्थात लग्न कुंडली में पंचमेश अर्थात पंचम भाव के स्वामी और गुरु और शनि, ये 3 ग्रह अपनी ही राशि में हो
अपनी मित्र की राशि में हूँ या अपनी उच्च राशि में हूँ, केंद्र और त्रिकोण में हूँ, तब विरंच योग बनता है। ध्यान रहे ये तीनों ग्रह ही केंद्र या त्रिकोण में होने चाहिए और ये अपनी राशि, अपने मित्र राशि या अपनी उच्च राशि में हो। ऐसा नहीं है कि एक ग्रह है तो आप मान लें कि विरंच योग बन गया, नहीं। ये तीनों योगों के लिए बता रहा हूं मैं कि तीनों ग्रह ही केंद्र या त्रिकोण में होने चाहिए, अपनी स्वराशि, मित्र राशि या उच्च राशि में होना चाहिए। तो यहां पर विरंच योग की बात कर रहे हैं तो पंचमेश और गुरु ग्रह और शनि ग्रह ये अपनी राशि में, अपने मित्र की राशि में या अपनी उच्च राशि में केंद्र या त्रिकोण में हो। तो देखिए एक उदाहरण से समझते हैं। यह मेष लग्न की जन्म पत्रिका है और यहां पर हम देख लेते हैं पंचमेश को। पंचमेश गुरु और शनि। पंचमेश कौन है? पंचमेश यहाँ ये पंचम भाव है, पांच नंबर राशि लिखी हुई है। पांच नंबर राशि सिंह राशि है, सूर्य। सूर्य हमने माना लग्न में बैठे हुए हैं। लग्न में एक नंबर की राशि है मेष राशि, वहां पर सूर्य उच्च के होते हैं, तो पंचमेश उच्च के हो गए और केंद्र में भी है क्योंकि प्रथम भाव केंद्र कहलाता है। अब हम बात करते हैं गुरु और शनि की। गुरु बैठे हैं चार नंबर राशि में, तृतीय चतुर्थ भाव में, चार नंबर राशि चतुर्थ भाव केंद्र होता है। गुरु चार नंबर राशि में उच्च के होते हैं तो गुरु भी उच्च के हो गए। शनि की बात करते हैं, शनि सात नंबर राशि में बैठे हुए हैं सप्तम भाव में, यह भी सप्तम भाव ही केंद्र भाव है, वहां पर शनि बैठे हैं सात नंबर राशि में तो शनि उच्च के हो गए। तो इस प्रकार से हमने देखा है कि पंचमेश सूर्य उच्च के हैं, गुरु और शनि भी उच्च के हैं, तब यहां पर विरंच योग का निर्माण हुआ। स्थितियां इससे बदल भी सकती हैं। कैसे? जैसे कि कैसी स्थितियां बदल सकती हैं? जैसे कि शनि यहां उच्च के ना होकर शनि अपनी ही राशि में केंद्र में हो जाते, शनि अपनी ही राशि में दस नंबर राशि, जो कि दस नंबर राशि मकर राशि है, शनि की स्वयं की राशि है और यह दशम भाव है, दशम भाव केंद्र होता है, तो शनि अपनी ही राशि में केंद्र में है तो भी यहां पर यही योग बनता। इसी प्रकार जो गुरु है, गुरु भले उच्च के हैं, यहां पर गुरु उच्च के ना होते, हो सकता है कि गुरु यहां पर त्रिकोण में नवम भाव में होते और नौ नंबर राशि में होते। नौ नंबर राशि गुरु की राशि है, धनु राशि है, तब भी विरंच योग का निर्माण होता। तो इस प्रकार से हमने दो तीन तरह से देखा कि कैसे बन सकता है। सूत्र वही रहेगा कि पंचमेश और गुरु और शनि ये किसी भी लग्न कुंडली में अपनी राशि में, अपने मित्र की राशि में या फिर अपनी उच्च राशि में केंद्र या त्रिकोण में विराजमान हो तो विरंच योग का निर्माण होता है। अब विरंच योग के फल क्या होंगे तो देखते हैं। विरंच योग जिस भी व्यक्ति की जन्म कुंडली में बनता है, ऐसे व्यक्ति के चेहरे पर एक ब्रह्म तेज दिखता है, बहुत तेजवान होते हैं ऐसे व्यक्ति और वेदों का ज्ञान होता है, इनको शास्त्रों का ज्ञान होता है। ऐसे व्यक्ति धर्मात्मा किस्म के होते हैं। ऐसे व्यक्तियों का समाज में बहुत मान सम्मान होता है, बड़े बड़े अधिकारी गण भी इनको नमस्कार करते हैं। विद्या और बुद्धि की कोई कमी नहीं होती है, बहुत ही सात्विक होते हैं। ये अपने धर्म का भी पालन करते हैं और दूसरे के धर्म या संप्रदाय के विरुद्ध भी कोई ईर्ष्या द्वेष नहीं रखते हैं। तो इस प्रकार से हमने आज तीन योगों को देखा, उस पर चर्चा की कौन कौन से योग हैं। श्री कंठ योग जो कि भगवान शिव के नाम पर है, श्री नाथ योग जो भगवान विष्णु या भगवान नारायण के नाम पर है, फिर विरंच योग जो भगवान ब्रह्मा जी के नाम पर है। आप भी अपनी जन्म पत्रिका में देखें कि ये योग बन रहे हैं या नहीं और कमेंट में भी जरूर बताएं। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।